राजधानी भोपाल के अपेक्स बैंक समन्वय भवन में मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अधिकरण का रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। वही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन अध्यक्ष सशस्त्र बल अधिकरण ने की है। वही कार्यक्रम के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष चंद्रेश कुमार खरे और सदस्य अरुण माथुर समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हमें इतनी उच्च कोटि की हिंदी सुनने की आमतौर पर अपेक्षा नहीं रहती, पर मेनन साहब बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं और आज तो दिल से बोले। बहुत ही सुदर्शन, और प्रशांत सिंह जी ने गलती की, मैं तो बोल रहा था आप बंबई चले जाते तो वहां भी फिट होते हैं, इतने हैंडसम। और इससे पता लगता है कि जिस राज्य सरकार का महाधिवक्ता इतना हैंडसम है वहां की सरकार कितनी अच्छी होगी। इससे मैंने अपनी भी तारीफ करवा लिया भाई सरकार की भी। परम आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, लोकायुक्त महोदय, लोकायुक्त महोदय पालो साहब, आदरणीय गुप्ता साहब, आदरणीय ममतानी जी, आदरणीय खरे साहब, अरुण माथुर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, आलोक सिंह जी, ओझा साहब, शमीम साहब, मैं पिछली बार मंत्री था उस समय इस कुर्सी को सुशोभित करते थे, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, माताएं बहनें भाई और साथियों, मैं बधाई दूंगा। 25 साल का ये सफर सफलतापूर्वक पहुंचा भी है, और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी है कि 25 साल की इस यात्रा में जो राहगीर आया, जो हम सफर रहा, जिसने इस ट्रिब्यूनल को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया, चाहे वह अध्यक्ष रहा हो, चाहे वह अधिकारी के रूप में प्रशासकीय व्यवस्था में काम करने वाला अमला रहा हो, या फिर वकील हो, उन सबको इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ समाहित किया गया है। मैं खरे साहब को और माथुर जी को बहुत बधाई दूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर कार्यक्रम के आयोजन को हम बधाई दें। बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, प्रशांत सिंह जी ने और आदरणीय मेनन साहब ने यहां पर बहुत ही उचित तरीके से इस ट्रिब्यूनल के बारे में, इसके बारे में क्या कुछ अपेक्षा है, सहकारी आंदोलन और सहकारी आंदोलन के माध्यम से समाज की सुव्यवस्था में क्या कुछ अपेक्षित है, उसके बारे में बहुत विस्तार से हम सबको बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी है। मैं सहकारिता मंत्री हूं और सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ भी, और वैसे तो मैं ये मानता हूं कि सहकारी व्यवस्था या सहकारिता इस समाज की मूलभूत व्यवस्था है। अभी अलग बात है, विभाग की बात करते हैं, सहकारी आंदोलन की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, तो उसकी एक कुछ चार दीवारी होती है, उसका कुछ एक लिमिटेशंस होती है, या उसकी कोई एक आचार संहिता होती है, या उसके फॉर्मेशन की कोई विधि होती है, पर सही मायने में सहकारिता तो समाज का मूलभूत अंग है। मैं हर समय सहकारिता के मामले में बोलता हूं तो मैं बोलता हूं सबसे अच्छा यदि एग्जाम्पल सहकारिता का यदि देखना तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा परिवार देखो। एक व्यक्ति है जो मेल है, वो सब्जी खरीद के लेके आता है, घर की गृहिणी उसको बनाती है और सब लोग मिलकर उसको ग्रहण करते हैं। यही सहकारिता का छोटा सा एग्जाम्पल, एक दूसरे के समन्वय से, सद्भाव से मिलजुल कर किसी व्यवस्था को बनाना और उसके माध्यम से समाज में सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्थापित करना, यही तो समाज सहकारिता का मूलभूत सिद्धांत है। आदि अनादिकाल से सहकारिता चलती आई, इस देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद भी इस आंदोलन को मजबूती से स्थापित करने की पूर्वजों ने बहुत प्रयास किया है। और आज यदि मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में काम कर रही है, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी
ने सहकारी आंदोलन को अपने हाथ में लेकर इसी उद्देश्य को पूर्ण करने का निश्चय किया है कि सहकारिता के माध्यम से हम समाज में सुव्यवस्था स्थापित करें, रोजगार के नए अवसर स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि सहकारिता इस समाज के उन्नयन के लिए, इस देश के आगे के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। प्रशांत सिंह जी ने कहा कि सहकारिता ही हमारी मूलभूत व्यवस्था है। सही मायने में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना इसके प्रति हम सब कटिबद्ध है। हम मध्य प्रदेश में कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने हमें सहकारिता से समृद्धि का एक आंदोलन हमारे हाथ में दिया, एक नारा दिया है। उसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में हम सहकारी आंदोलन को मजबूत करें और उसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करें, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहां पर इस हॉल में बैठे हुए जितने महानुभाव हैं वो गाहे बगाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सहकारी आंदोलन को हम और ऊंचाई आ दें। इसके चैलेंजेस, इसकी गलतियां, इसकी दिक्कतें ये है निश्चित रूप से। मुझे ये कहते हुए इस मन से कहीं कमी नहीं लगती, कोई संकोच नहीं होता, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई, कुछ लोगों के कुछ निहित स्वार्थ के कारण इस आंदोलन की वो साख शायद उस पर बट्टा लगा है जो होना नहीं था। और हम सब मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि हम इस आंदोलन को बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के ट्रिब्यूनल के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ और उसके माध्यम से सहकारी आंदोलन और मजबूत हो और उसमें जो कुछ न्याय की ज़रूरत है वो भी लोगों को समय से मिल सके, इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा बढ़ाया। राहुल गांधी जी हर समय हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू धर्म का अपमान करते आए हैं। इटली की परंपरा में बसे रचे और बड़े हुए राहुल गांधी से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। आज उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है। वो हिंदू जो विश्व कल्याण की बात करता है, वो हिंदू जो विश्व शांति की बात करता है, उसको हिंसक कहा है। निश्चित रूप से हिंदुओं का अपमान है।